अस्सलाम वालेकुम। कॉमिक टिप लाइव की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं सैयद राशिद और आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। इस वीडियो में कॉमिक टिप लाइव के मुतालिक दो अहम अपडेट से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट मुलाजमिन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि सूबाई हुकूमत ने नई पॉलिसी के मुताबिक यकसां तनख्वाहों का निज़ाम नाफज कर दिया है। अब प्रोजेक्ट मुलाजमिन की मौजें ख़त्म हो गई हैं। इससे कबल ऐसा होता था कि प्रोजेक्ट मुलाजमिन की जो सैलरीज होती थी वो अपनी मर्जी से तय करते थे और आम मुलाजमिन से हटके उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती थीं। अब सूबाई हुकूमत ने नई पॉलिसी के मुताबिक यकसां तनख्वाहों का निज़ाम नाफज कर दिया है और यकसां तनख्वाह लेने वाले से इनकार करने वाले मुलाजमीन जो इस तनख्वाह का इनकार करते हैं उन्हें मुलाजमत से फारग करने की भी हदायत जारी कर दी गई है। माली बुरान के बाइस तमाम मुलाजमीन को एक जैसी तनख्वाहों की अदायगी की हदायत जारी कर दी गई। महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी की जानिब से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स, अकाउंटेंट जनरल, डिप्टी कमिश्नर और मुंसलिक महकमों को हदायत जारी कर दी गई। दूसरी अहम अपडेट बजट के हवाले से है। पहले वफाकी बजट की जो डेट थी वो 4 जून थी और अब इसे चेंज करके 9 जून कर दिया गया है। अब जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक वफाकी बजट जो है 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी बजट 9 जून को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से अब तक की जो तजावीज़ सामने आई हैं उनमें 30 से 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है और इस सिलसिले में IMF को भी अग्री किया जा रहा है ताकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर जो मामलात हैं उनको यकसो किया जा सके।